What's up guys, I hope you are all absolutely good and fine. Welcome to my channel Only Cinematic, See Something New. I hope कि दुर्गा पूजा आप सभी लोग का अच्छा गया होगा. So, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेबिलाइजेशन. स्टेबिलाइजेशन के बारे में आप सुना ही होगा, पर इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू स्टेबिलाईज अ वीडियो और अ शेकी वीडियो विदाउट हैविंग ए गिम्बल. बहुत सारा स्मार्टफोन में या तो DSLR में भी ऑप्शन रहता है कि स्टेबिलाइजेशन ऑन करने का व्हाइल रिकॉर्डिंग योर वीडियो. सब कुछ ऑन रहने के बावजूद भी देखा जाता है कि वीडियो थोड़ा शेकी हो गया और उसको स्टेबिलाइज करने का जरूरत है. सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल अलाउड मोड कर दीजिएगा, बिकॉज जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहले पहुंच सके. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मैना. विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो आप लोग देख रहे हैं कि दिस इज द एडिटिंग वर्कस्पेस ऑफ एडोबी प्रीमियर प्रो 2020. स्टेबिलाइजेशन से जुड़ा हुआ मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ. एक है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे हाईएस्ट क्वालिटी पे आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे आफ्टर स्टेबिलाइजेशन. सेकेंडली, जितना हो सके आप अगर हैंडहेल्ड शूट कर रहे हो या तो गिम्बल में भी शूट कर रहे हो, जितना हो सके शेक वीडियो में कम कीजिए, मतलब डिस्टॉर्शन कम करके शूट कीजिए. तो आप देख रहे हैं कि टाइमलाइन में मेरा एक वीडियो है. ये वीडियो में एक चीज़ आप नोटिस करिए, वीडियो तो 60fps में रिकॉर्ड किया हुआ है पर बैकग्राउंड में डिस्टॉर्शन या तो शेकीनेस जो आप लोग बोलते हैं वो मेंटेन है, मतलब स्मूथ नहीं दिख रहा है. अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखिए, मतलब ज़्यादा ही डिस्टॉर्शन हो रहा है. तो इस डिस्टॉर्शन को हम Adobe Premiere Pro का एक खास वीडियो इफेक्ट्स फीचर से एलिमिनेट कर सकते हैं. कैसे, मैं बताता हूँ. वीडियो स्टेबिलाइज करने के लिए आप विंडो में से जाके इफेक्ट्स टैब में जाइए या तो इफेक्ट्स जो वर्कस्पेस है उसमें भी जा सकते हैं या तो मीडिया पैनल में देखिए. इधर क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट्स टैब मिलेगा. इफेक्ट्स अगर नहीं है तो विंडो में जाके आप इफेक्ट्स टैब को ऑन कर सकते हो. तो इफेक्ट्स टैब में क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, उसमें से एक ऑप्शन है वीडियो इफेक्ट्स. वीडियो इफेक्ट्स में जाइए. वीडियो इफेक्ट्स में जाने के बाद सब ऑप्शन मिलेगा डिस्टॉर्ट. डिस्टॉर्ट में जाइए. डिस्टॉर्ट में जाने के बाद आपका एक ऑप्शन मिलेगा रैप स्टेबिलाइजर. आप इधर सर्च करके भी ये फाइंड कर सकते हो. तो ये रैप स्टेबिलाइजर का जो वीडियो इफेक्ट्स ऑप्शन है Adobe Premiere Pro में, सिंपली इसको क्या करना है, ड्रैग करके वो वीडियो के ऊपर जिसमें आप स्टेबिलाइज करना चाहते हो उसके ऊपर डाल देना है. देखिए, जो प्रोग्राम मॉनिटर है उसमें दिखा रहा है एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड स्टेप 1 of 2, पर आप कुछ ऑप्शन नहीं दिख पा रहे हैं. ऑप्शन देखने के लिए आपको सिंपल वही करना होगा जो मैं पहले बताया था, इफेक्ट कंट्रोल्स में जाना है. इफेक्ट कंट्रोल्स में जाने के बाद देखिए रैप स्टेबिलाइजर बोल के ऑप्शन आ गया. उधर 13% दिखा रहा है, फ्रेम रेट दिखा रहा है. यह 100% कंप्लीट होगा स्टेबिलाइजेशन एनालिसिस. स्टेबिलाइजेशन का 100% एनालिसिस कंप्लीशन डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है. अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हाई है तो कम टाइम लगेगा. अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन मीडियम में तो थोड़ा टाइम आपको लग सकता है. देखिए मेरा लगभग 100% कंप्लीट हो गया. अब ये स्टेप 2 पे है जो दिखाया था, जिसमें लिखा है प्रोग्राम मॉनिटर में स्टेबिलाइजिंग. ये जो ऑरेंज कलर का आपका दिखा रहा है स्टेबिलाइजिंग, ये खत्म होने के बाद ही आपका स्टेबिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा. तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ये स्टेबिलाइज खत्म हो गया है. तो मैं एक बार वीडियो को प्ले करूंगा. देखिए वीडियो प्ले करने के बाद आप एक चीज नोटिस कीजिए, जो मेजर आपका डिफरेंस मिलेगा वो है बैकग्राउंड स्मूथिंग एंड बैकग्राउंड स्टेबिलाइजेशन. देखिए पिछले जो ओरिजिनल वीडियो था उसमें स्टेबिलाइजेशन से ये वीडियो काफी हद तक बेहतर लग रहा है आपको वॉच करने में.
रैप स्टेबलाइजर के ऑप्शन में जो सोर्स पैनल में है उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रिजल्ट, रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट उन्होंने स्मूथ मोशन सिलेक्ट किया है। स्मूथनेस 50% दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से अगर बढ़ाना या तो घटाना चाहते हो तो स्लाइडर से बड़ा घटा सकते हैं या तो टाइप करके भी आप बड़ा घटा सकते हैं। मैं 50% ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है वो मेथड, आप किस मेथड से स्टेबलाइजेशन को रिजल्ट देना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट उन्होंने सब स्पेस रैप दिया है। इधर चार ऑप्शन आपको मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन है पोजीशन, सेकंड ऑप्शन है पोजीशन स्केल एंड रोटेशन, थर्ड ऑप्शन इज पर्सपेक्टिव एंड फोर्थ इज सब स्पेस रैप। बाय डिफॉल्ट उन्होंने सब स्पेस रैप के जरिए स्टेबलाइज किया है। आप अगर किसी भी ऑप्शन को चेंज करना चाहते हो, ताकि मान लीजिए मैं पोजीशन करूँगा तो थोड़ा वह प्रोग्राम मॉनिटर में चेंज होगा। अभी आप अगर प्ले करेंगे तो कुछ कुछ डिफरेंस आपको देखने को लिए मिलेगा। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप वीडियो के हिसाब से जिसमें आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है उसी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें। तो मैं सब स्पेस रैप को ही सिलेक्ट करूँगा, मेरा रिजल्ट काफ़ी हद तक परफेक्शन हो रहा है। उसके बाद है प्रिजर्व स्केल, मतलब आप जो वीडियो का पहले का ओरिजिनल स्केल है, मान लीजिए कि ये वीडियो का मेरा ओरिजिनल वीडियो का स्केल है 1920x1080 दैट इज फुल HD, तो आप अगर स्केल को सेम ही रखना चाहते हो उसके बाद आप स्टेबलाइज करना चाहते हो तो ये मार्क इन कीजिए या तो नहीं कीजिए। उसके बाद है बॉर्डर्स, मतलब जो वीडियो का बॉर्डर्स है वो बॉर्डर्स को कैसे आप स्टेबलाइज करोगे, उसका ऑप्शन भी आप दिया हुआ है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेबलाइज ओनली, स्टेबलाइज एंड क्रॉप, स्टेबलाइज क्रॉप एंड ऑटो स्केल, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है स्टेबलाइज एंड सिंथेसाइज एजेस। स्टेबलाइज ओनली मतलब क्या होता है, जो आपका वीडियो बॉर्डर है उसका कोई क्रॉप नहीं होगा या तो स्केल नहीं होगा, खाली वीडियो स्टेबलाइज होगा, इसमें से रिजल्ट कुछ हद तक आपको मिलेगा। स्टेबलाइज एंड क्रॉप मतलब स्टेबलाइज होगा एंड आपका जो डिस्टॉर्शन पोर्शन है वीडियो का वो भी क्रॉप होके वीडियो थोड़ा छोटा भी हो सकता है, मतलब स्केल पे। और स्टेबलाइज क्रॉप एंड ऑटो स्केल इट इज़ द रिकमेंडेड ऑप्शन, बिकॉज आपका स्टेबलाइज भी होगा, क्रॉप भी होगा एंड ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अपने वीडियो के हिसाब से सिस्टम में ऑटो स्केल करके अरेंज कर देगा। स्टेबलाइज सिंथेसाइज एजेस मतलब स्टेबलाइज करेगा और एज को जो भी साइज है उसके हिसाब से सिंथेसाइज करेगा। तो ये चारों ऑप्शन आप एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सा में आपको रिजल्ट सबसे ज़्यादा परफेक्शन मिल रहा है, उसके हिसाब से आपके वीडियो में ये अप्लाई कीजिए। उसके बाद है एडिशनल स्केल, मतलब ये जो सब ऑप्शन अप्लाई करके भी अगर आपका वीडियो कुछ हद तक नहीं हो रहा है स्टेबलाइज तो आप ये एडिशनल स्केल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है एडवांस, एडवांस में क्या है, डिटेल्ड एनालिसिस, ये अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये फिर से एनालाइज इन बैकग्राउंड देगा, मतलब और भी ज़्यादा बारीकी से ये काम करेगा और ये वीडियो को वो एनालाइज करेगा स्टेबलाइजेशन के लिए। अगर आप वीडियो में परफेक्शन लेना आना चाहते हो तो ये एडवांस सिस्टम का जो सब टॉपिक है ये यूज़ करिए स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन के बाद भी, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, डेट इज़ डिटेल एनालिसिस, रोलिंग शटर रिपल, ऑटोमेटिक रिडक्शन एंड एनहेंस रिडक्शन। एनहेंस रिडक्शन यूज़ होता है कुछ जो आप स्टूडियो में शूट कर रहे हो या तो कुछ परफेक्शन वीडियो शूट करो तो इसके लिए यूज़ होता है। तो एडवांस ऑप्शन भी आप देख सकते हैं आपके वीडियो एनालिसिस करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए। तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि सभी ऑप्शन आप एक एक करके देख लीजिए विदाउट बाय डिफॉल्ट इन Adobe Premiere Pro कि किस ऑप्शन में आपका वीडियो सबसे ज़्यादा परफेक्शन हो रहा है स्टेबलाइज होके, तो उसी स्टेबलाइजेशन ऑप्शन को आप अप्लाई कीजिए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो टाइम लेके ही काम कीजिए। तो आप ये लेफ्ट में देख रहे हैं कि ओरिजिनल वीडियो और राइट में देख रहे हैं कि स्टेबलाइज्ड होके जो फाइनल रिजल्ट हुआ है वीडियो पे।
तो आपने एक चीज़ तो नोटिस किया होगा, मेरा दावा है कि राइट साइड में जो वीडियो है वो लेफ्ट साइड से काफ़ी हद तक अच्छा दिख रहा है और जो स्मूथ मोशन एक फील हो रहा है, दैट इज़ वीडियो का स्टेबिलाइजेशन मेंटेन है। तो इस तरह से आप विदाउट गिम्बल अपने सॉफ्टवेयर में कुछ हद तक स्टेबिलाइजेशन कर सकते हो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स है Adobe Premiere Pro 2020 में, जो आपका कुछ भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कौन सा इफेक्ट आपको चाहिए Adobe Premiere Pro में। अगर Adobe Premiere Pro में पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ये इफेक्ट वीडियो लाऊंगा। बस दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीक किसी न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।